बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत अपनी बाकमाल एक्टिंग स्किल्स के लिए तो जानी ही जाती हैं और साथ ही साथ वो अपने बेबाकी से बोलने वाले तरीके के लिए भी जानी जाती हैं। जी हाँ, कंगना रनौत सबसे ज़्यादा बेबाकी से बोलने वाली और बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इसके अलावा अगर हम कंगना रनौत की मूवीज़ की बात करें तो वो अपने कैरेक्टर को काफ़ी शिद्दत से प्ले करती हैं और उनकी वो मेहनत ऑन स्क्रीन ऑडियंस को दिखती भी है। फिर चाहे वो बात हो उनकी तनु वेड्स मनु मूवी की या फिर क्वीन मूवी की या फिर उनकी रिसेंटली आई मूवी जजमेंटल है क्या की, कंगना रनौत ने हमेशा अपना जो कैरेक्टर है अच्छे से प्ले किया है। इसके अलावा अगर हम उनके फिल्मोग्राफी की अब बात करें तो कंगना रनौत हमें नजर आने वाली हैं तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम यानी जयललिता पर बन रही उनकी बायोपिक जया में भी। जी हाँ, इस बायोपिक को हिंदी में जया नाम से रिलीज किया जाएगा और तमिल में इसको थलाइवा के नाम से बनाया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को एएल विजय डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं कंगना रनौत ने भी रिसेंटली इस फिल्म के बारे में एक ऐसी अपडेट दी है जिसको सुन के उनके फैन थोड़ा सा हैरान भी हो जाएंगे। जी हाँ, कंगना रनौत ने रिसेंटली बताया है कि वो जयललिता की बायोपिक के लिए अपने फेस को अपनी लुक्स को इतना ज्यादा मॉडिफाई करेंगे कि ऑडियंस जो है उनको ऑन स्क्रीन पहचान भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत ने ये भी कहा कि उनके लिए अच्छी बात है बिकॉज एक एक्टर को निस्वार्थ होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑडियंस उस चेहरे से कनेक्ट कर पाएंगी तो वो मेरे चेहरे से नहीं बल्कि उस कैरेक्टर से उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग की बात करें तो जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। वहीं अगर हम कंगना रनौत के फिल्मोग्राफ की बात करें तो उनकी मूवी धाकड़ भी जल्द ही हमें ऑन स्क्रीन नजर आने वाली है। धाकड़ मूवी की बात करें तो रिसेंटली धाकड़ मूवी का एक पोस्टर भी आया था जिसमें कंगना रनौत काफी ज्यादा धाकड़ लुक में हमें नजर आई थी। अब देखना ये होगा ये दोनों मूवीज कब रिलीज होती हैं और कैसा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर।